फिलहाल जो है आसिमा आप देख सको काफी जश्न का माहौल है जेपी जयप्रकाश की जीत के बाद जो है एक काफिला हसी पहुंचा है और नरेश यादव की अगुवाई में एक काफिला उन्हें पहुंचा है। काफी जोश जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, बात करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भाई देख सको काफी उत्साह काफी जोर जो है कार्यकर्ताओं में है और जेपीजी की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रहे हैं कुछ कहना चाहोगे जो हमने आपको पहले बताया था उससे भी बल्टर जीत के आए हैं। ये जनता की आवाज है और ये जो कल भी हमारी बात हो रही थी ओपिनियन पोल था ये बिकाऊ मीडिया थी। आप जैसे अच्छे मीडिया वाले असली चीजें दिखाते हैं और आप देख रहे हो उसका रिजल्ट। वो 80-80 बनने से कोई रोक नहीं सकता। 80 शहर में भी बीजेपी की हार हुई है, ये हमारी जीत है। ये नरेश यादव जी का प्यार है, नरेश यादव जी का प्यार है जो 80 शहर से जीते हैं बीजेपी के फिल्टर पार कर। तो आज लड्डू बालाजी के लिए आज खुशी क्या बन रही है? आज लड्डू बालाजी के भी, सरस्वती माता के भाई निशांत मलिक के भी आज लड्डू बनेंगे। अच्छा, और ये चौक जो बनाया जा रहा है षड्यंत्र के तहत इसके ऊपर भी भाई निशांत मलिक लिखवा के मानना गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। राम राम, कैसे भाई? क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये कहेंगे भाई जनता जनार्दन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अंकल जेपी को जिता के बहुत बहुत बढ़िया काम किया है और कांग्रेस आएगी पक्का, आगे भी आएगी। सीधे भी जो है बीजेपी आ रही है। हाँ बिल्कुल, काम ही ऐसे किए हैं, आनी तो थी। फिलहाल जो है पता क्या कर काफी जोर जो है जनता में नजर आने लग रहा है और फिलहाल आप देख सको पटाखे गुलाल जो है लगातार लग रहे हैं और जनता फिलहाल आप देख सकते हो जेपी के बारे में हम जितना भी बोल रहे हैं आज हमारे दिल के अंदर इतनी शांति है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला भाई। ये देश को ये काफिला जो है पूरे जोश में पूरे काफिला के साथ जो आशीष शर्मा है अपनी राय खुल के कमेंट बॉक्स में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।